आज हम दर्शन करेंगे मुंबई में शिवजी के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर श्री बाबुलनाथ मंदिर के। हाँ जी, सत श्री अकाल, क्या है जी हाल। मैं हूँ रतन और स्वागत करता हूँ आप सभी का यह मुंबई मेरी जान के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मुंबई के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बाबुलनाथ मंदिर। तो आइए चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंचे, और साथ में सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सब वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए चलिए यह मुंबई मेरी जान के इस एपिसोड का अपना सफर शुरू करते हैं। तो जी, श्री बाबुलनाथ मंदिर पड़ता है मुंबई के मालाबार हिल एरिया में, और वहां जाने के लिए आपको जाना होगा चरनी रोड लोकल स्टेशन। और मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं अंधेरी वेस्ट लोकल स्टेशन से, जहां पर हमेशा आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। और मैंने पकड़ी एक फास्ट लोकल जो रुकती है लिमिटेड स्टॉप्स पर। तो जी, इस फास्ट लोकल में ट्रैवल करते हुए बांद्रा और दादर को क्रॉस करके मैं आखिरकार पहुंच ही गया चरनी रोड स्टेशन। तो अगर आपको बाबुलनाथ मंदिर जाना है तो चरनी रोड स्टेशन पर आपको फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ के निकलना होगा वेस्ट की तरफ। जी हाँ, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आपको वेस्ट की साइड निकलना है। और वेस्ट की साइड चलिए हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर चढ़ते चढ़ते राइट साइड ये एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग मुझे हमेशा दिखती है। अगर आप में से किसी को पता हो ये क्या है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम चढ़ गए हैं फुट ओवर ब्रिज पर, अब यहाँ से निकलेंगे वेस्ट की साइड। और पुल से नीचे उतर के राइट साइड रास्ता है, लेकिन एक भाई ने बताया कि अंदर से ही चरनी रोड स्टेशन के सीधे सीधे अगर एंड में मैं जाऊँगा तो मुझे एक पैसेज मिल जाएगा स्टेशन के अंदर से रास्ता, जो मुझे चरनी रोड से लेके जाएगा बाबुलनाथ मंदिर की तरफ। और इतनी देर में मेरे आसपास से ट्रेनें आके गुजरती रहीं, लेकिन मैं सीधा रास्ता पकड़ के। तो आइए जी, अब लगभग वो जो एग्जिट का कट है वो हमारे सामने है। तो चरनी रोड स्टेशन से एग्जिट लेते हुए ऊपर नेविगेशन में भी बाबुलनाथ मंदिर का नाम लिखा है। तो आइए चलिए आगे बाबुलनाथ मंदिर की तरफ, जो मैं पहली बार दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो मुंबई में इस तरह से पैसेज वाले एंट्री और एग्जिट काफ़ी सारे हैं। और ये लीजिए मेरी फोटोग्राफी स्किल्स का कमाल। तो भाई, मुझे पहुंचना है रोड की दूसरी साइड। सामने मुझे एक ब्रिज भी दिख रहा है फुट ओवर, लेकिन पैदल चलने की हिम्मत नहीं है तो मैं यू टर्न लेके चौराहे से ही दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा। और भाई, है तो पैदल रास्ता, लेकिन इतनी ज़बरदस्त गर्मी है ना, इतनी चिलचिलाती हुई धूप है। आप लोग तो जानते हैं इस टाइम इंडिया में कैसी धूप पड़ रही है, और मुंबई जहाँ पर छाया में आके ठंडक मिलती है वहाँ भी जब धूप डायरेक्ट पड़ रही है ना तो हालत ख़राब हो रही है। और मैं चाहता नहीं कि अपनी फ्रेशनेस ख़राब करूँ, तो चौराहा पार करके बाबुलनाथ मंदिर के लिए मैं टैक्सी कर लेता हूँ। यहाँ से सिर्फ नेक्स्ट सिग्नल ही है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हो रही, तो आओ जी टैक्सी की जाए चौराहा पार करके। वैसे ही हम हो रहे क्रॉस, और ये यू टर्न वाले वेट कर रहे हैं लोग। तो आप अगर चाहें तो बस स्टॉप पर भी इंतज़ार कर सकते हैं बस का, जो आपको बाबुलनाथ मंदिर के करीब पहुँचा देगी। तो भाई, एक भाई साहब बता रहे हैं कि अभी 10 मिनट आ गया है, तो अब चाहे जितनी मर्जी छाया हो मैं तो टैक्सी करके जा रहा हूँ बाबुलनाथ मंदिर, और क्योंकि बेहोश नहीं होना। देखते हैं पीछे से कोई टैक्सी करने है, जो खड़े हुए हैं वो जाएंगे। भैया, बाबुलनाथ मंदिर कौन टैक्सी जाएगी? बाबुलनाथ शेयरिंग तो है नहीं यहाँ से? नहीं। तो पूरी करेंगे कहाँ से मिलेगी? यहीं हाथ दे के? आपको जाना है? मुझको जाना है। आपकी तो खुली हुई है ना गाड़ी। क्या बाबुलनाथ मंदिर चलेंगे? हाँ, वही पीछे बैठ जाते हैं क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त धूप है। चलो तो जी, आई हैव टेकन दिस टैक्सी एट मरीन लाइन स्टेशन, और देखते हैं कितनी देर और कितने रुपए में पहुँचते हैं। अब यहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बिकॉज बाहर धूप में तो हालत ख़राब हो रही थी, सारी फ्रेशनेस चली जाती, कपड़े तर बतर हो जाते पसीने से। अच्छा, ये गिरगांव चौपाटी है, एंड गिरगांव चौपाटी के नियरेस्ट है बाबुलनाथ मंदिर, और देखते हैं कितनी देर लगती है। भैया, कितनी देर लगेगी यहाँ से बाबुलनाथ मंदिर के लिए? 5 मिनट ना, इसके बाद एक और सिग्नल है। तो जैसा कि वो भाई ने स्टेशन में बताया था कि इट इज़ सेकंड सिग्नल फ्रॉम मरीन लाइन स्टेशन, और ये लेफ्ट साइड गिरगांव चौपाटी है, एंड
फर्स्ट सिग्नल तो वी क्रॉस्ड, ये आ गया सेकंड सिग्नल। कोई बात नहीं, गर्मी में इतनी देर 5 मिनट चलने में ही तोते उड़ जाते हैं ऐसे पसीने से, कुछ कह रहे नहीं होता। उससे बढ़िया थोड़ा पैसे लगा के टैक्सी कर लीजिए। तो भाई टैक्सी वाले भैया बता रहे हैं कि ये जो चौराहा है इसका नाम ही बाबुलनाथ मंदिर चौराहा है, और मुझे चौराहे पे नहीं है बिल्कुल मंदिर के सामने उतारेंगे। तो भाई बढ़िया काम हो गया। तो जी हम लोग जिस श्री बाबुलनाथ मंदिर जा रहे हैं वो मुंबई का एक पुरातन शिव मंदिर है जो कि गिरगांव चौपाटी के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और मालाबार हिल एरिया में आता है। और माना ऐसा जाता है कि मुंबई शहर के ये सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। तो भाई इस मंदिर से रिलेटेड दो अलग अलग लेजेंड्स हैं जिनके बारे में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का इस वीडियो में। तो बाबुल के पेड़ के स्वामी या नाथ कह लीजिए, उस रूप में शिव जी की यहाँ पर पूजा की जाती है। और दूसरी मान्यता के अनुसार बाबुल नाम का एक गडरिया था जिसकी गाय एक जगह पर दूध देकर आती थी, तो वहाँ से शिवलिंग खुदाई करने पर प्रकट हुआ था। बबूल के पेड़ का नाथ और बाबुल का नाथ, तो दो तरह से इस लेजेंड को माना जाता है। आगे भी यही है कहाँ, ये लेफ्ट साइड की सीधे? तो भाई देखिए ये सामने बाबुलनाथ मंदिर है, आइए चलिए दर्शन करते हैं। बिल्कुल सही हो गया, बेसिक फेयर में पहुंच गए। अब ये 2 रुपये वापस करेंगे कि नहीं पूछ रहे हैं, तो अच्छा हो गया। 28 रुपये का बेसिक फेयर है टैक्सी का, तो बेसिक फेयर में पहुंच गए, लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं था। ओके भैया थैंक यू वेरी मच, तो अच्छा डिसीजन हुआ, गर्मी में धूप भी नहीं लगी और बढ़िया पहुँच गया। और ये देखो साउथ बॉम्बे का तो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल अलग टाइप का है, तो मॉडर्न एंड जो क्लासिक इंडिया है, हिस्टोरिक इंडिया है, उसका मिक्सचर है। और हमने सामने जाना है, आगे मत जाइए, और ये सामने बाबुलनाथ मंदिर है। तो जी ये है जी बाबुलनाथ मंदिर की एंट्रेंस, और इस चौराहे को श्री बाबुलनाथ मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, और इसका नाम है बाबुलनाथ मंदिर चौक। तो आइए चलिए इस पवित्र मंदिर के अंदर चल के दर्शन किए जाएं। हाँ जी, तो जी अब मैं आ गया हूँ बाबुलनाथ मंदिर के बाहर, बाबुलनाथ मंदिर चौक पर, और ये है जी अंदर एंट्रेंस बाबुलनाथ मंदिर के लिए जाने की। तो आइए चलिए आपको अंदर लेके जाता हूँ और दर्शन करता हूँ, और साथ में आपको भी कराता हूँ श्री बाबुलनाथ मंदिर मुंबई के। तो जी मंदिर में एक बहुत अच्छी सुविधा है कि 1 रुपए में ई कार की सर्विस मिलती है जिन लोगों को चलने फिरने में या कोई हेल्थ कंडीशन की प्रॉब्लम हो। तो जी आगे बढ़ने पर आपको सबसे पहले मच नीडेड मिलेगा सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक अच्छे से कराने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं मंदिर में, तो राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ आपको सीधे हाथ पर गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर मिल जाएगा। और भाई मैंने सुना है कि इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए 108 सीढ़ियां हैं, तो 108 की संख्या हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही पवित्र, पावन और शुभ मानी जाती है। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो एक लंबी सी लिफ्ट भी है जो आपको मंदिर तक पहुंचाएगी अगर आप सीढ़ियों से ना चढ़ के जाना चाहें तो। तो जी मेरे आगे जो ये दो कन्याएं जा रही थी इन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया, जिसके एवज में मैंने इनसे एक विनम्र निवेदन कर दिया कि भाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी इनसे तो निवेदन कर दिया, आप भी चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा के जाना, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ जी थैंक यू वेरी मच, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर यूट्यूब एंकर रहता हूँ। थैंक यू। तो जी मैंने तो पसंद किया इन सीढ़ियों को चढ़ के जाना, और सीढ़ियां अगर आप चढ़ के जाते हैं तो आपको और भी चीज़ें देखने योग्य मिल जाएंगी। तो जी बस सीढ़ियां चढ़ के अब मैं पहुंच गया हूं इस बहुत ही भव्य मंदिर में, और सच बताऊं तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस तरह का मंदिर, इस तरह का कंस्ट्रक्शन मैं मुंबई में देख रहा हूं। और जी जब मैंने इस मंदिर के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ऐसा माना जाता है कि बाबुलनाथ मंदिर के शिवलिंग और वहां की अन्य मूर्तियां 12वीं शताब्दी में राजा भीमदेव द्वारा स्थापित कराई गई थी। फिर ये मंदिर समय के साथ दब गया, लुप्त हो गया। उसके बाद पुनः 18वीं शताब्दी में इस मंदिर की खोज की गई थी, और जब पुनः खोज हुई तो 5 मूल प्रतिमाओं में से मुख्य शिवलिंग गणेश जी, हनुमान जी, पार्वती जी और एक और प्रतिमा थी, लेकिन
पांचवी जो प्रतिमा थी उसको समंदर में विसर्जित कर दिया गया था क्योंकि वो टूट के खंडित हो चुकी थी। अपने जूते आराम से यहाँ पर थैली वाले नंबर वाले बैग्स में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो दाहिने हाथ पे सबसे पहले आपको बजरंग बली जी का एक छोटा सा मंदिर दिखेगा जो बिल्कुल दीप स्तंभों के सामने है। और अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअल इंसान है तो इस मंदिर का जो ऑरा है वो आपको बहुत ही अलग पता चलने वाला है, जो आप यहाँ आके ही महसूस कर सकते हैं। तो चारों तरफ अगर आप देखें तो ऐसे लगेगा कि आप बिल्कुल एक अलग सदी में, अलग शताब्दी में पहुंच गए हैं। और मैं तो सच में नहीं विश्वास कर पा रहा हूं इस टाइम कि मैं मुंबई शहर में ऐसी चीज देख रहा हूं, ऐसी फीलिंग महसूस कर रहा हूं। और भाई एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की कि मंदिर में टॉयलेट्स जो बने हैं वो बहुत ही साफ हैं, काबिले तारीफ बात है। तो आइए चलिए मैं मंदिर की परिक्रमा कर लेता हूँ और साथ साथ आपको भी इस परिक्रमा से दिखा देता हूँ कि मंदिर चारों तरफ से कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना कमाल लग रहा है। तो भाई अगर इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में और बताऊं तो कहा ऐसा भी जाता है कि मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करने में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे उनका भी योगदान रहा था। और माना ऐसा भी जाता है कि मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप जो 1890s के पास निर्माण हुआ था लगभग वैसा ही है। और साथ ही साथ 1960s के आसपास आसमानी बिजली से इस मंदिर की ऊंचाई को क्षति भी पहुंची थी। और 1980 तक ये मंदिर मुंबई का सबसे ऊंचा स्थान भी हुआ करता था, जो सच्ची में एक हतप्रभ करने वाला फैक्ट है जो मुझे पता चला। तो इस मंदिर प्रांगण में आपको मेन मंदिर के अलावा शीतला माता का मंदिर मिल जाएगा, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मिल जाएगा और कृष्ण जी का विराट स्वरूप का मंदिर मिल जाएगा। और कहते हैं महाभारत में कृष्ण जी ने जो विराट स्वरूप धारण किया था और कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार हैं, तो वो विराट स्वरूप का आपको मंदिर दिख जाएगा जो कि आपके सामने है। और साथ साथ जो उनके डिटेल्स लिखे हैं वो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और मैंने इस मंदिर में पाया कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया फोटो स्पॉट भी है जहाँ सब लोग खड़े होकर अपनी फोटोज खिंचा रहे थे। मैंने फोटो तो नहीं खींची लेकिन खैर आप लोगों के लिए उस जगह को रिकॉर्ड करके बता दिया कि आप भी कभी आए तो यहाँ पर इस बढ़िया हट जैसी जो ढांचा बना हुआ है उसके नीचे आप अपनी फोटो खिंचा सकते हैं, बहुत ही अच्छी फोटो आने वाली है। उसी के साथ साथ जहाँ जोड़े जमा कराए हैं वहाँ पर आपको और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और उसके अलावा शिवजी की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं वैसा भी एक लिस्ट सी लगी हुई है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, आपके काम आएंगी। हाँ जी, तो जी ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको दर्शन कराया मुंबई के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध श्री बाबुलनाथ मंदिर के। तो भी इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सब वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो भाई इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये है मुंबई मेरी जान के, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव रतन।